نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا رب بكم أن الزلزلة الساعة شيء عظيم والفتنة أشد من القتل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا درو شيء अवा मिला महमदिन वल महमद्दिन फिलउलिना उ आखिरन वफिल आलामद्दीन हजरत बम्बई के फितने का रथ जिसका नाम है सूफा कलीम जनूबी बम्बई वाला बड़ा पैसे वाला है कहता है मेरा मकान आके देखो इतना बड़ा है इतने बैठने की जगह है है अपने आप फखर कर रहा है तफाखर ये तफाखर इस्लाम में जायज़ नहीं है कि तफाखर करना बात बात में दुनियावी कामों में दुनियावी मामलात में तफाखुर करना खुद से अपने आप को बताना कि हम ये हैं और बहुत बड़े बड़े दावे करना कि मेरे शागिद ऐसे हैं मेरे शागिद वैसे हैं है और सुन रहे कलीम सूफा जुनबी तू क्या हाफिज़ अहद कसीरा मुर नौज मुकर्रर चोला बयान हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी साहब इलाहाबादी का तू क्या रिस्क बंद करेगा इनको कहीं मत बुलाना तू ताजदार हिंदुस्तान है क्या तू क्या हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है अरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो तो हजरत पीर नरेंद्र मोदी साहब है वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं तू थोड़ी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री के साहब वो गुलाम रब्बानी इलाहाबादी साहब को अब मत बुलाना उनके दिल से मत कराना यानी तू रिस्क बंद कर देगा क्या कुरने करीम में अल्लाह ने वादा फ़रमा इन ये यह बगैर हिसाब बेशक अल्लाह जिसको चाहता है बेहसाब रोज़ी देता है अल्लाह ने हज़रत अनिल अंबानी को बेहसाब रोज़ी दिया अल्लाह ने हज़रत अडानी साहब को बेहिस रोज़ी दिया अल्लाह ने बहुत से जो ईमान लीला है उनको भी बेहसाब रोज़ी दिया हजरत रवि रबी रवि शंकर के का जाके देख ले दौलत कितनी है हज़रत पी मुरारी बाबू साहब के पास देख ले कितनी दौलत है हज़रत पी मुरारी बाबू जम मुजाह मिलत अहर हनूद हैं जैसे तुम तावील निकालते हो ना आलर्रहमान मुफ्ती आदम हिंद को कहते हो रहमान आलमान औलाद के होते हैं तुम तावील निकालते हो आलमान फर्मा बरदार के तो फिर रहमान के अलावा और भी तुम सिफ़ाती नाम जो अल्लाह ताला के उनसे भी मिला दो आल गलत आल्जाक़ आलफफ़ार आल्सतार आलोलजब्ब्ब्ब्ब्बार हैं आल <coughs> आल आलुल आलु अव्वल यानी अव्वल भी अल्लाह का नाम है कुरान करीम में वल ज़ाहिर वल बातिन तो फिर तो तुम आल का लफ जिसके साथ जिस के नाम के साथ चाहो मिला तो करो और सुनो आल के मायने मशहूर यही है औलाद के जो मशहूर मायने हैं वही मुराद लिए जाते हैं जो दुनिया में मायने मशहूर हैं वही मायने मुराद ले जाते हैं कोई दूसरा मायना मुराद लेना ये दुरुस्त नहीं है जैसे तुम लोगों ने जो एक ज़माने में बहुत ज़बरदस्त हंगामा किया था अल्लाह मियाँ कहने पर कि साहब अल्लाह मियाँ मत कहो अरे सुनो जब रहमानी मियाँ कहा जा रहा है रहमानी मियाँ सुबहानी मियाँ मन्नानी मियाँ तो फिर रजाती मियाँ गफ्फ़ारी मियाँ सत्तारी मियाँ जब्बारी मियाँ कहारी मियाँ वाहिदी मियाँ अवली मियाँ आख़िरी मियाँ जाहिर मियाँ बातल मियाँ सभी फिर तो जो चाहो तुम नाम रख लो और तविल कर लो फिर कि नहीं वो वो दुरुस्त है दुरुस्त है अपना वाला है तो दुरुस्त है इसीलिए शायर ने कहा है कि जिनके आंगन में अमीरी का दरख्त रखता है उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है खुद जाम अज़हर मिस्र में जाके पढ़ें तो इनका एक जमाने को होनर लगता है जाम अज़हर से पढ़ के आ रहे हैं देवबंद वालों से पढ़ के आ रहे हैं और यहाँ के सुन्नी बना दिया फिर शाहन अदा को तोबा क्यों कराई पीली बीत के सुलह कुल्ली उन्हें वो भी सुलह कुल्ली हो चुका पिल पिले होगा बिल्कुल जबकि उन्हें तहदीर ईमान निका बैध करवाना था उसको शाहन अदा को मशहूद भैया के लड़के को खाली बस तोबा करवा के ले गए बताना चाह रहे थे हम बहुत कट्टर हैं कोई कट्टर मट्टर नहीं पक्के सुलह कुल्ली हो तुम जब तुम्हें इतना ही शक्ता शुभा था तो एक एक बात पूछे जाम मधर मिस्र जाने के बाद खाल उजड़ते बाल की खाल उजड़ते किस से तो तुमने पढ़ा चार साल तक हल्फिया बयान लेते कभी सलाम तो नहीं किया उन उस्ताद उससे चार साल तक का बयान लेते किसके पीछे नमाज़ पढ़ी नहीं पढ़ी तो जुमा नहीं पढ़ा अब तुम्हारा ऊपर क्या होगा कौन सा फतवा लगेगा चार साल जुमा छोड़ने के ऊपर जमातें छोड़ी चार साल तक जमात से नमाज़ नहीं पढ़ी उसके उस बारे में क्या हुक्म है चार साल जुमा नहीं पढ़ा उस बारे में क्या हुक्म है हदीस पाक में तो है जिसने तीन जुमे लगातार छोड़े उसने इस्लाम को पसे पुष्ट डाल दिया यह हदीस पाक है तीन जुमे छोड़ने के ऊपर तो अब जो चार साल जुमा छोड़ रहा है जामद मिस्र में जाके तीन साल जुमा छोड़ा या तो इमाम का नाम बताए कॉन्फ्रेंस से बात कराए शायद डायरेक्ट ऑनलाइन और लाइव बात हो डायरेक्ट देखे आज मिस्र का इमाम वहाँ का बोल रहा है और वहाँ के इमाम तो दाढ़ियाँ भी नहीं रखाते ओलमा भी दाढ़ियाँ नहीं रखाते फिर इनकी नमाज कैसे हो जाएगी वो माइक से नमाज़ होती है वहाँ पर मालूम कर लो माइक से नमाज़ होती है अरब में नमाज़ माइक से होती है मक्का मक्शही मनी में जाम नजर में भी तो फिर इनकी नमाज़ तो वैसे ही फिर ये जुमा जुमा छोड़ने पर इनके तीन तीन साल जुमा छोड़ेंगे इनके ऊपर क्या हुक्म लगेगा सूफा कलीम हनफा बताएं अब निकाले ताविर दस्ता निकाले सूफ़ा कलीम जुनूबी या तो फिर तस्दीक करा जाम यादर मिस्र के लोग लोगा की के जिसके पीछे नमाज़ पढ़ते थे उसकी आन लाएँ ये नहीं कि इंडिया के तालब इल्म से बात करा दे यहाँ के लोग अरबी जानते हैं ये बात कर लेंगे और बता देंगे हम जाम मदहर के आलिम बोल रहे हैं इमाम बोल रहे हैं वो तो लहजे से भी पता लग जाएगा शक्ल सूरत से पता लग जाएगा तस्दीक करा दें साहब तस्दीक यहाँ के तालब इमों की हो लिख दें शान अजहर जाम जाम अजहर सिन को एक खिताब मिला शान अजहर सूफा कलीम को ख़िताब मिला कुतब कुतब बम्बई कुछ भी खिताब लिखवा लाओ यहाँ के तालब इलों से वो लिख के दे देंगे जाम अजहर की मोहर लग जाएगी वहाँ पर झूठी फर्जी मोहर आज कल आम बात हो गई अरे यानी क्या कह चल है ज़माने में वो फारूक नागपुरी मरदूद दिखाता है फारुक नागपुरी ये साहब इमाम मस्जिद नबी का इमाम मोबाइल पे बात कर रहा है नमाज़ की हालत में इमाम बात कर रहा है मोबाइल पे अंदाज़ा तो लगाओ एक बरेलवी लोग कितना गुमराह करते हैं अपनी पब्लिक को और पब्लिक खामोश बैठी रहती है ये नहीं कि उठ उठ के सवाल करे कि साहब मस्जिद नबवी का इमाम मोबाइल पर कैसे बात कर सकता है कैसे वो नमाज़ तोड़ के बात कर सकता है और तुम सफ़े तोड़ता हुआ बता रहा हो कि सफ़ सफ तोड़ के वो कमरे में जा रहा बात करने के लिए और मस्जिद नबवी का इमाम जहाँ बीस लाख या दस लाख कम बेश लोग नमाज़ पढ़ते हों जब जब पचास आदमी जहाँ नमाज पढ़ते हों हिंदुस्तान में किसी भी मस्जिद में आज तक तो चैलेंज से कह रहा हूँ नहीं हुआ ये फारूक नागपुरी वकील मरगट मसान बता दें शूब करीम हनफा बम्बई का जो बहुत बड़ा मरदूद है ये बता दे शायद रदा गोसी जो बहुत बड़ा ख़बीस है जिसने गुस्ताखी की है पसे पर्दा उलिया कराम की शान में ये बता दे कि कहीं हिंदुस्तान में किसी भी मस्जिद में अगर ऐसा हुआ हो कि इमाम ने नमाज तोड़कर मोबाइल पर बात की हो तो मिशसे मिस्से पचास हज़ार रुपया ले रहा चल मगर बता दे सबूत के साथ बता दे पचास हज़ार रुपये ले जाए चला जाए मस्जिद नबावी का इमाम बात करेगा मोबाइल के ऊपर अस्तफुल्लबीन को बोले वो भी नमाज की हालत में नमाज़ तोड़ कर और फिर सर तोड़ के जाएगा कैसे कैसे ये बरेलवियों को आके चक्कर में डालना है फिर जिन हजरात ने अभी तक नमाज़ें पढ़ ली हिंदुस्तान के लाखों हाजियों ने नमाज़ें पढ़ी उनके पीछे जमात से नमाज़ पढ़ी और दोहराई भी नहीं तो ये सूफा कलीम का तो ये फतवा हो जाएगा नमाजें दोहराओ चालीस दिन की नमाज़ दोहराओ जिसने पढ़ी हैं अब जो हाजी मर गए क्या वो कब्रस्तान में धोराएंगे क्या वो मैदान मेशर में वो नमाजें दोहराएंगे क्या वो पुलसरात पर जाके नमाज दोहराएंगे जब वो दुनिया से चले गए तो अब बरदख में क्या वो नेकी करेंगे जाकर हैं मां नक उबधी का मुकलफ़ ही नहीं है फिर फाजिल बलवी ने कैसे लिखा है जब कबर में आकर शैतान बहकाता है मरने के बाद बहकाने भे, के लिए आता है मुर्दे को ये किस मुसलमान का किस सहाबा किस सहाबी का है सहाबा क्राम में किस कादा है किसका यह ताब इन में तब ताब में एक कमज़ोर रिवायत को लेकर फ़ाजिल बरेलवी ने जो जो उस पर किताब लिखी है ईदानाजर कि ईदानबर और फिर दलाइल उसमें जमा कर दिए हैं फिर वो दलाइल फ़ाजिल बरेलवी ने हज़रत इमां अबू तालिब के ईमान के बारे में क्यों जमा नहीं किए क्या उनके बारे में रिवायत नहीं थी बहुत सा बहुत सारे कलाम की रिवाय, ने रिवायतें जमा कर रखी हैं एक दो नहीं हजरत लाम और पी करम चौधरी की किताब हमारे पास ही मौजूद है ज़ियानबी उसमें हज़रतलब लिखा है हजरत बड़े पीर साहब की किताब है सैयद मीर या सैद मीरा अब्दुलवाहीदबीगरामी रमत की किताब पढ़ो सनाबिल जिसमें लिखा है आप पढ़ो उनके, उनके सनाबिल सभनाबिल सनाबिल को तो बहुत मानते हैं ना लेकिन फिर तुम अभी फिर क्यों नहीं मानते इस बारे में जब हजरत ईमान अबू तालिब के ईमान के बारे में बात आ जाए तो तुम तुम एकदम रुख मोड़ लेते हो यजीद को तुम काफिर नहीं मानते हो और बिन को हज़रत अबू तालिब को तुम तो मुसलमान नहीं मानते बरेली आलो बड़ा तजुब की बात है यदीद जैसा मरदूस हबीस कमीन उसको तो तुम जो है कि मुसलमान वो काफ़िल नहीं मानते हो और हजरत अबू तालिब को नऊदिन डाले तुम डाले उनका उनके बारे में जानक क्या क्या बकवास करते हैं बरेलीवी लोग जबकि अदब से नाम लिखा है हजरत पीरामा पी करम शाह अजरी रहमत लिया इमामा ताहिर ने उनका ईमान साबित किया है हजरत कारी हनीफ़ साहब कुरेशी जो पाकिस्तान के बहुत बड़े मकर हैं वही वो ईमान वाला मानते हैं पाकिस्तान के तो अक्सर मालूम करो वहाँ पर कितने मुसलमान मानते हैं तो बरेली के हिसाब से इस्लाम के खारिज हो जाएंगे ये लोग अब बरेलवियों से इतने सवाल हम कर देंगे तो इनके बाप भी जवाब नहीं दे पाएंगे मुश्किल है या तो ये मुनाजरा कर लें कहीं भी इन्हें अगर शौक़ है तो शराइ से कर लें इस बात के ऊपर कि हम मक्का शरीफ मदीन शरीफ के इमामों को मोमिन मुसलमान साबित करेंगे सुन्नी साबित करेंगे तुम अपने फतवे के हिसाब से जो तुम मानते हो कि साहब मोमिन नहीं है मुसलमान नहीं है तुम अपने दलाइल देना हम अपने दलाइल देंगे रख लो मुनाजरा जहाँ तुम्हारी बस्ती हो अजमेर शरीफ आजाव सेंटर है भोपाल में तो तुम आ ही नहीं सकते हो भोपाल में तो आ ही नहीं सकते तुम लोग मैं चैलेंज दे रहा हूँ आ ही नहीं सकते पचास पचास किलोमीटर आसपास नहीं आ सकते भोपाल के तो बल्कि सौ सौ किलोमीटर मश्रद से मखरब शुमाल से जनूब तक में आकर तुम मनाजा नहीं कर सकते सौ सौ किलोमीटर दूर तक सौ सौ किलोमीटर दूर तक भोपाल के यानी मशिक से मररब शुमाल से जुनूब तुम्हारा बरेलवी का सिर्फ आटे में नमक नाम है पाँच मस्जिदें भोपाल में चार या पाँच और कम से कम बारह सौ मस्जिदें वहाँ अहल देवबंद की हैं बारह सौ कम बेस्ट मस्जिदें हैं उनमें पाँच मस्जिदें सौ में से एक भी नहीं आ रही यानी परसेंटेज के हिसाब से अब अंदाज लगाओ बरेलवी लोगों ने कितना गुमराह किया अरब में इनकी एक भी मस्जिद नहीं है मक्के शरीफ मदी शरीफ़ में एक भी मस्जिद बरेलियों की नहीं है तो इनकी कहीं भी नमाज़ नहीं होगी पूरे मक्के शरीफ मदी शरीफ़ में यानी इनके फतवे के हिसाब से मक्के शरीफ मदीन शरीफ़ का आदमी पैदा हुआ दुनिया से चला गया इनके हिसाब से वो नमाज ही नहीं हुई उसकी हाजियों की नमाज़ नहीं हुई जिन्होंने चालीस ही नमाज़ पढ़ी वो नमाज़ धोरा है ये फतवा लगाएँगे नमाज़ दौरान की नमाज़ नहीं जिन्होंने मक्काश शे, मदी शेरी के इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ी फिर हजरत हज़रतियाद्दीन मदनी रमत कैसे गए वहाँ पर चालीस साल क्यों रहे जब नमाज़ नहीं होती वहाँ पर तो चालीस साल क्यों रहा उनके ज़माने में भी नमाज़ नहीं होती थी ये तो बरेली के फतवे के हिसाब से आज से सत्तर साल पहले से नमाज़ नहीं हो रही सत्तर साल से आज़ाद नहीं हो रही तो जो इनके आदमी मर जाते हैं हाजी लोग मर जाते हैं उनकी नमाज़ पढ़ाने के पीली पीलीभीत के सुल्ली पहुँचते हैं सना सनाबल लद्दा देवबंदी को सुथर बनाया पड़ा है सनाबिलदा कि ये सुलकुल्ली पहुँचते हैं वहाँ रजा को तौबा करवा लिया जाम अजर मिसर जाने पर तैदी ईमान का बैत क्यों नहीं करवाया उससे पूछा क्यों नहीं कि तूने किसके पीछे नमाज़ पढ़ी थी वहाँ और क्यों गया था वहाँ पर पढ़ने के लिए क्या यूनिवर्सिटी कॉलेज हिंदुस्तान में नहीं है यहीं पढ़ना था तुझे फ़िखा यहीं पढ़ना था जो भी तुझे उलूम हासिल करना था वहाँ क्यों गया था मैं एक से एक है एक शेख फहमा है एक शेख है, एक मुहद्दिस है एक शेख मुफस्सिर कुरान है मैं जाने के बाद बरेलवी की जबान गूंगी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? बोल नहीं सकता कब्रस्तान के ऊपर दान क्यों नहीं देते बोल नहीं सकता मैं ये सब बात नहीं कर सकता कि साहब कब्र में शैतान बहकाने के लिए आता आल्हा लिखा आप इसको मानिए बोल नहीं सकता वह नहीं बोल सकता आप अंगूठा क्यों नहीं चूम सकते बोल नहीं सकता जुबान बंद रहती है वह इनकी बरेलियों की जितने पढ़ते हैं वो तो मजबूरन पढ़ते हैं है तो सब इनके हिसाब वो सुन्नी थोड़ी होंगे वो तो इनके साथ से टन्नी है तो मजबूरन ही आके सुन्नी बनाते हैं। अब इनके ऊपर क्या फतवा लगेगा सुन्नी जो गैर सुन्नी को सुन्नी बनाए सुन्नी को गैर सुन्नी बनाए इनके ऊपर क्या हुक्म लगेगा जाम वालों को सुन्नी बना रहे हैं तो सब वही के वही देवबंद वाला मामला उनका टोटल वही मामला उनका वो तो सबको पढ़ाते हैं सबको मुसलमान मानते हैं मेरी तरह से वो भी मेरी तरह से एहल देवबंद को माए देवबंदमाया बरेली को एहल अजीज़ को, को सबको मुसलमान मानते मैं भी मुसलमान मानता हूँ काद यानी शिया के अलावा जितने भी हैं सब के सब मुसलमान हैं और शिया में भी बत्तीस फ़िरके बड़े साहब ने किताब पढ़ो उन्हें तालबिन में लिखा बत्तीस हैं सबको आप काफिर कैसे कह सकते हैं जब तक कि पूरी मुकम्मल तहकीक ना हो जाए किस काफ़ी हद्दे को फिर तक पहुँचा हुआ है फिर इस्माइल जहरीफी को काफिर क्यों नहीं कहा हजरत ने क्यों नहीं कहा जब तुम कह रहे हो कि साहब ये ऐसे हैं वो वैसे फिर इस्माइल तहरीफी को क्यों नहीं कहा यजीद को क्यों नहीं कहा सुनो साहब क्राम की औलादे मक् शरीफ मदीन शरीफ में उनको तो मुसलमान नहीं मानते गयास कॉलपी वाला क्या असली सैयद है।, है क्या ये असली सैयद अरब में नहीं है क्या मक्शरी मदीन शरीफ में नहीं है क्या बसरा में नहीं है क्या बगदाद शरीफ में नहीं है क्या यह पीलीभीत यह पीलीभीत माल शरीफ में या माय शरीफ में बिल्क्राम शरीफ में असली से ही दागा है या में असली से ये रागा और कहीं दुनिया में है नहीं यानी इमाम हसैन की औलाद जितनी भी है सबके सब हिंदुस्तान में ही है क्या और कहीं भी नहीं है अरे अरब शरीफ में मक्का शरीफ नदी शरीफ में, शरी में जाके देखो अगर ईमानी फ़रासत तुम्हारे पास में ईमान है तो जाकर देखो वहाँ पर और मालूम करो कि यहाँ साहब असली सैयद हजरात के कहाँ कहाँ घर हैं कहाँ नमाज़ पढ़ते हैं कहाँ शादियाँ करते हैं वो शादियाँ कहाँ करते हैं वो गवाह किस को बनाते हैं अरे मक्का शरीफ मदीन शरीफ में जो निकाह होते हैं बरेली के हिसाब से वो निकाह ही नहीं हो रहा है यानी ये कहते हैं इनकी गवाही गवाही नहीं जी अब कहते हैं नहीं वो सुन्नी होगा मन घड़क हवाई फायरिंग के सुन्नी होगा बिना देखे किसी को भी सुन्नी बना दिया कि तो फजल रहमान साहब की शादी हुई होगी जयाउद्दीन मदनी साहब रम लड़के की तो गवाह सुन्नी होगा यानी सुन्नी होगा मन घड़ा जबकि फकआन ने लिखा इधर जाल एहतमाल बतल इस्तवाल जहाँ कहीं इस्तेमाल पाया जाए इस्तवाल बातिल हो जाता है तो इस जहाँ पर अब होगा सुन्नी होगा जयामान जयाउद्दीन साहब के लड़के का जो जिका हुआ गवाह सुन्नी होगा निका पढ़ाने वाला सुन्नी होगा चलो निका उन्होंने पढ़ा दिया होगा लेकिन गवाह सुननी होगा गवाह क्या इंडिया से पीलीभीत से लेके गए थे वो गवाह या बरेली से लेके गए थे वो गवाह और जो वहाँ पर जो हादिम मर जाता है जो हादी मर जाता है निका पढ़ वहाँ पर जनाजा कौन पढ़ाता है क्या कलीम हंसी का बाप जाके नमाज पढ़ाता है ये सनाबिल के बाप ने जाके नमाज़ पढ़ाया है बरेलीओं का जो वहाँ जो कि कशरी मदीशी में जो मर गए इंतकाल हो गया इनका वहीं का इमाम नमाज़ पढ़ा वो गसल दे रहे हैं वही कफन देते हैं वही दफन करके आते हैं तुम्हें हाथ तुम हाथ नहीं लगा सकते जनाजे से तुम बहाने बनाते हो तरह तरह के झूठ बोलते हो कि वह हम नमाज बाद में अलग पढ़ लेते झूठ बोलते वो हो वो नमाज़ होने के बाद वो तुम हाथ नहीं लगा सकते करीब नहीं जा सकते वहाँ पर सब वहाँ के लोग जो है कि सिर्फ करीब जा सकते हो बस नमाज के बाद फिर कोई दूसरी नमाज नहीं पढ़ सकते और जनाजे में सामने होना शर्त है जनाजे का अरे तुम लोग तो कितनी झूठ बोलते हो गैर सुन्नी को सुन्नी बनाते हो सुन्नी को गैर सुन्नी बनाते हो और बात बात में काफिर बनाते हो तुम्हारे हिसाब से साहब किराम की औलाद अरब में हैं वो भी मुसलमान नहीं सैयद हजरात वहाँ पर हैं इमाम हुसैन आल्लाम की औलादे वो भी मुसलमान नहीं कालबी के साथ है कह रहा जो आला हजरत को न माने वो सैयद ही नहीं सुल्तान है सुल्तानुल मलाजिम हज़रत मौलाना सैयद सितिन हैदर मियां साहब जो हक बात कह रहे हैं ऐसी हक बात अब सबको करना चाहिए जितने भी महाराज शरीफ बिलगराम शरीफ महारे शरीफ का चुचा बतायू मैं जहाँ जहाँ हजरात हैं सबको अब ऐसी ही हकबात करने चाहिए जब ये सुधार पैदा होगा हजरत मोल तसर महब अकेले पड़ जाते हैं उनको इन्होंने दबाव डाल दिया था जो हकबात में इन्होंने किताब में लिखी थी तो अजहर मियाँ साहब ने खिलाफत कब वापस ली उनसे तो ये इनके फतवे तो फिर सब पे ही लग जाएंगे जब अजर मिया साहब ने कोई खिलाफत वापस लेने का ऐलान किया ही नहीं था, था, है था है। कभी हजरत मल ततर मद साहब के खिलाफ व ताजुर्मसैन है बेहतरीन मुकर है उन और हजरत मोल कमरम आजमी साहब जो इंग्लैंड में है वो बेहतरीन मुकर है एक हजरत मौला शाकिर नूरी साहब बम्बई वाले ये सही तकरीर करते हैं ये फालतू बातें नहीं बताते ये चर्ब जबानी से काम नहीं लेते हजरत मौला शाकिर साहब की तकरीर में असर होता है लेकिन अब उनको भी ये जी नहीं दे रहे उलमाए कौंसिल में कहते हैं उनका आदमी सर बैठता है कई बम्बई में बम्बई वाले खुद जाम मदर में बैठ के आए तो कुछ नहीं बारी दही बैठ जाए उमा कौंसिल में चंद मिनट नमाज़ भी नहीं पढ़ते वो तमाम उनके बीच है वो तो अपनी मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ाते हैं बेहतरीन मुफसर बेहतरीन आलि वो भी इनके साथ से मुसलमान नहीं है अल्लाह पी करमशद हरी रबाल मुसलमान नहीं है अलावा ग़ुल रसूल सैदी जो है कि इनके साथ से गुमरा ताहरुक आदि इनके साथ काफ़िर जयाल साहब के साथ मुफ्ती आजम महाराष्ट्र मुफ्ती ग़ल महम्मद साहब भी काफिल हैं और ये शुभ कली मुसलमान मान लेगा मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी रहमत को डाल के हाँ मैं मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी रहमत को मुसलमान मानता हूँ तो मैं मानता हूं। मैं हूं। मैं मामापी करम शाह रत को मुसलमान मानता हूँ मैं हज़रत हजरतल गुलाम रसूल सैदी को मुसलमान मानता हूँ मैं हजरत मौलाना कारी मुफर कुरान बम्बई वालों को मुसलमान मानता हूँ मोमिन मानता हूँ वो तो बम्बई में ही रहते हैं ना मुफसर कुरान उनसे बड़ा कोई मुफसर है बम्बई में बरेलवियों में तो कोई मुफसर ही नहीं होता उनमें बल्लियों में एक हुए थे खालि झहीद साहब तो उनको तो बाईकाट कर दिया इसके पीछे नमाज़ नहीं होगी अजर मियाँ की ऑडियो निकाल लो निकल जाएगी सब वो जो तूने ये हज़रत माना गुलाम रब्बानी लाबादी साहब के बारे में बका कि साहब उन्होंने जो है कि ऐसा कहा जियाल जयालम साहब के बारे में तो जियाल ज़ियालम साहब के बारे में तो बहुत से किराम ऐसा कहते हैं हज़रत डॉक्टर सईद अमीनविया साहब मरहरवी भी उन्होंने कहा उनकी क्लिप मौजूद है नेट में मौजूद है उन्होंने तो मारने का बोला है गुलाम रब्बानी इलाबादी से भी ज़्यादा सख्त में बोला है और हजरत मौलाना अब्दुलमन्ना साहब ने भी सख्त अल्फ़ाज़ में बोला है अभी की आड़ियों हैं उनकी और सुन ले तो तू अकेला एक क्यों पकड़ रहा है उनके बारे में भी बता ना हजरत मौलाना डॉक्टर हजरत सैद अमीन साहब माहिरवी ने बोला जया मुफ्ता साहब के ख़िलाफ़ और तेरे हिसाब से फिर इन पर भी फ़तवा लगा देगा तू डटर सैद अमीन साहब माहिरवी साहब पर हैं और तेरे फतवे किस किस पर नहीं लगेंगे तेरे फतवे के हिसाब से मक्शी मदीशी में मुसलमान मिलना ही मुश्किल है चल तू चल के मुझे बता दे सौ मुसलमान निकाल दे वहाँ से पूरे शरीफ मदी शरीफ से सौ बरेलवी नहीं बल्कि दस बरेलवी निकाल दे दस भी बहुत बता दिए मैंने दस बरेलवी अगर तू निकाल दे तो मैं तेरी गुलामी कर लूँ लेकिन तू क़यामत तक दस बरेलवी तू अभी की तारीख में तो दस बरेलवी मक्काश मदी शरीफ के से निकाल के बता ही नहीं सकता जो तेरे जैसे अकीदे के हों तुम्हारे जैसे काफिर बनाने वाले हो बात बात में ये काफिर वो काफिर अल्लाह हफाजत वर्मा इन बरेलियों के फसाद से बजाब फरमा आज अट्ठाईस अक्टूबर है और ये आज जुमेरात का दिन है मैंने आडियो कलीम सूफ़ा के रद्द में जारी किया है इसको सब समात फरमाकर इस खबीस ने जो फितना बरपा किया है उसको एकदम दरहम बरहम किया जाए और इसके फितने से बचा जाए इसका फितना आए दिन बढ़ता चला जा रहा है अल्लाह हिफाजत फरमाए अल्लाह हिफाजत फरमाए